हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी एक्सेल शीट्स में मल्टीपल वर्कशीट्स को किसी एक वर्कशीट में कंबाइन करते हैं और उसे हम इस तरह से कंबाइन करें कि हम किसी भी वर्कशीट में कोई भी काम करें या किसी भी एंट्रीज को डिलीट करें या किसी भी और नई एंट्रीज को ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कंबाइन शीट में शो हो जाए और वो कैलकुलेट हो गए उतनी ही कैलकुलेशन आपको शो करें। ये हम देखेंगे। इसके आगे हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम ये करते क्यों हैं। अगर आपके पास बहुत सारी वर्कशीट्स हैं और आपको एक कंबाइन करना है तो काफ़ी ये हैक्टिक काम होता है। अगर आपके पास शीट्स बहुत सारी होती हैं, मान लीजिए आपके पास लास्ट 12 मंथ्स का डेटा है और उसे कंबाइन करना है तो काफ़ी हैक्टिक काम है। और ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है अगर वो कंबाइन करने के बाद आपके पास आपको वो डेली करना होता है या फिर आपको वीकली करना होता है। डेली करने का मतलब मान लीजिए आपने एक बार कंबाइन कर दिया आज की डेट में, फिर आपने एक दिन काम किया, उसमें कई सारी हर शीट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस किए, कुछ एंट्रीज़ आपने डिलीट करी, कुछ एंट्रीज़ आपने ऐड करी, उसके बाद फिर से वो बनाना है, कंबाइन करना है, तो काफ़ी ये हैक्टिक काम है। तो आज की वीडियो हम ये देखेंगे कि कैसे हम सारी वर्कशीट्स को एक बार ही कंबाइन कर देते हैं, उसके बाद किसी भी वर्कशीट में कितनी भी हम एंट्रीज़ को ऐड करें, डिलीट करें, वो ऑटोमेटिकली आपकी कंबाइन शीट में ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होकर शो हो जाए, तो आपको ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किसी कंपनी का एक सैम्पल डेटा लिया हुआ है जो कि सेल्स का डेटा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 रीज़न है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। और जुलाई मंथ का डेटा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो आप मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें क्या कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, जैसे कि एक यहाँ पे मैं इस तरह का कलर देके एक बॉर्डर दे देता हूँ। और आपको ये करने के लिए आपको अपने डेटा को टेबल के फॉर्मेट में चेंज करना है। टेबल के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आप अपने डेटा पे कहीं भी एंट्री रखिए और कंट्रोल टी प्रेस करिए और ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा क्रिएट टेबल का, आपको सिर्फ ओके कर देना है। और आप देख पा रहे हैं एक ये टेबल आपकी बन गई। आपके पास जैसे ये टेबल बनेगी आपका एक डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगा और आप अपने मनपसंद जो भी है वो अपना डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ भी कर लेता हूँ, ओके। अब देखिए कंट्रोल टी और ये देखिए, ठीक है, सिंपली यहाँ भी कर लेता हूँ। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। टेबल बनाने का काफ़ी फ़ायदा होता है, वो अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। वो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा टेबल्स का, ठीक है। तो अभी मैंने ये सारे टेबल्स आपके क्रिएट कर लिए हैं टेबल्स फॉर्मेट में। आप देख पा रहे हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आपका सभी कॉलम, डेट है, प्रोडक्ट नेम है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, एम्प्लॉय कोड, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल अमाउंट उन्होंने कितनी सेल करी है, ठीक है, डेट वाइज चारों जोन के हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस डेट का ये जो टेबल बना है इसका मैं इस टेबल का एक नाम दे देता हूँ। नाम देने के लिए मैं क्या करूँगा, टेबल में कहीं भी हमारा कर्सर है और हम मैं जाऊँगा डिज़ाइन टैब में। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे टेबल वन लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए टेबल वन लिखा हुआ है, इसको मैं दे देता हूँ ईस्ट अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, एंटर कर देता हूँ। इसका नाम ये ईस्ट अंडरस्कोर डेटा हो गया है। सिंपली मैं वेस्ट में जाता हूं और यहां पे कहीं भी कर्सर रख के डिज़ाइन में जाके टेबल टू को इसको लिख देता हूं आपको वेस्ट अंडरस्कोर डेटा, ये देखिए, और इंटर प्रेस कर देता हूं। नॉर्थ में जाके क्या करता हूं, डिज़ाइन में क्या कर देता हूं नॉर्थ अंडरस्कोर डेटा, और साउथ में जाके यहां पे कहीं भी कर्सर रख के डिज़ाइन टैब में यहाँ टेबल फोर है, मैं कर देता हूँ साउथ अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ब्लैंक क्वेरी की मदद से अपने चारों शीट्स को कंबाइन करना है। कंबाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे हर शीट्स में आपको 156 एंट्रीज हैं चारों में, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी है, टोटल 624 एंट्रीज हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम कंबाइन करेंगे और क्रॉस चेक करेंगे कि हमारी सारी एंट्रीज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए आपकी इतनी सारी एंट्रीज है यहाँ पे, सेम वेस्ट में है, सेम नॉर्थ में है और सेम साउथ में। डेटा आपका अलग अलग है, ठीक है, लेकिन आपकी एंट्रीज टोटल मैंने सेम ले रखी है।
ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिया है, सैम्पल डेटा है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है ब्लैंक क्वेरी से, तो उसके लिए हमें डेटा में टैब में जाना है और गेट डेटा ऑप्शन में आपको मिलेगा फ्रॉम अदर सोर्सेस करके, और वहाँ पे आप जाएंगे ब्लैंक क्वेरी आपको मिलेगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, एक नई प्रकार की आपकी एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी कोई भी टेबल सेलेक्ट नहीं करी है जो मुझे कंबाइन करनी है, इसलिए आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा एरिया ब्लैंक दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए अप्लाइड स्टेप्स हैं, यहाँ पे जो जो स्टेप्स आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। अभी तो यहाँ पे केवल सोर्स शो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए इस क्वेरी का नेम है क्वेरी वन, और ये जो विंडो ओपन हुई है ये है पावर क्वेरी की एडिटर, यानी पावर क्वेरी एडिटर। आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पावर क्वेरी एडिटर दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका है ये है फॉर्मूला बार, ये है फॉर्मूला बार जैसे कि एक्सेल में होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला बार शो ना हो आपके, जैसे आप ये ओपन करें आपको ये फॉर्मूला बार शो ना हो, तो आप व्यू में जाइए और देखिए आपका ये फॉर्मूला बार का ऑप्शन ये चेक होना चाहिए, ठीक है। ये वाला व्यू में जाइए और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार आपका चेक हुआ है। चेक नहीं होगा तो ये शो नहीं करेगा, हमारे केस में चेक है, इसका मतलब फॉर्मूला बार शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे एक जो हमें जितने भी टेबल्स हैं वो इस करेंट वर्क बुक में है, यानी एक्सेल जो हमने ओपन कर रखी थी उसे हम कहते हैं वर्क बुक, और जो उसमें सीट्स हैं उसे कहते हैं वर्कशीट्स। तो हमें इस वर्क बुक के अंदर जितनी भी सीट्स हैं, हमारे पास कितनी वर्कशीट्स हैं, फोर हैं, और फोर में चार टेबल्स हैं, उसे हमें कंबाइन करना है किसी एक एक वर्कशीट में, सारी की सारी टेबल्स हमें कंबाइन करनी है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा, फॉर्मूला होगा एक्सेल, ये देखिए सबसे पहला वाला एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक, ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पावर क्वेरी एडिटर में जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें इसमें, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमें पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप देखें इसमें ई कैप्स में है, सी कैप्स में है और डब्ल्यू कैप्स में है। अगर आपने ऐसा ही फॉर्मूला लिखा तो ही ये वो काम करेगा, अदरवाइज आप कोई भी ई आप स्मॉल में लिख दे, एक्स कैप्स में लिख दे, तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसे प्रॉपर टाइप करिए, नहीं तो आप इस तरह हमारी तरह सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपकी जो गलती होने की गुंजाइश वो काफ़ी कम हो, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला तो मैंने कर लिया सेलेक्ट यहाँ पर, लेकिन इक्वल टू हमने नहीं लगाया फॉर्मूला को एक्सिक्यूट करने के लिए, तो इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया, और इसे हमने ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज दोनों करके एंट्री कर देंगे। बस आपको कंबाइन कर ली केवल एक ही फॉर्मूला करना है, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया था, आपका ये जितने भी टेबल्स हैं यहाँ पे हमारे वर्कबुक में सारी की सारी शो हो गई, ठीक है। हमारे पास देखिए चार वर्कशीट्स थी और चारों में एक एक टेबल थी, ईस्ट डेटा, वेस्ट डेटा, नॉर्थ डेटा और साउथ डेटा, ठीक है। तो आप देखिए मैं इस डेटा का ये जो टेबल है इस पे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे ही जा रहा हूँ यहाँ पे देखिए क्लिक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो मैं देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्लिक कर देता हूँ, तो ईस्ट अंडरस्कोर डेटा में जितनी भी आपकी डेटा है वो यहाँ पे देखिए ओपन हो गई विंडो, और ये विंडो जैसे ही ओपन हुई देखिए यहाँ पे ये दो स्टेप्स आ गए हैं ना, तो ये आप अपना डेटा देख सकते हैं। तो मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, और सोर्स पे वापस आ जाता हूँ। अब आप यहाँ पे क्लिक करने के अलावा यहाँ पे आप बगल में यहाँ पे सिंपली एक ऐसे क्लिक करेंगे तो एक ये पैन आ जाएगा जैसे आउटलुक में होता है, ये देखिए आपका डेटा, आप यहाँ से भी आप इसको प्रीव्यू देख सकती हैं। यानी ईस्ट अंडरस्कोर डेटा में आपका इस तरह का टेबल है, डेट है, प्रोडक्ट नेम है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेम टेबल टू, टेबल थ्री, जो भी आपकी चारों टेबल्स हैं उसमें आपको डेटा शो हो जाएगा। अब हमें इसे कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डबल एरो करके एक ऑप्शन दिख रहा है, इसे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, इसे मैं जूम से हटाता हूँ, तो आपको एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपके जितने भी कॉलम्स हैं सारे के सारे ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, हमारे बिल्कुल सेलेक्ट होने चाहिए, सारे के सारे सेलेक्ट हैं। एक ऑप्शन इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम इज प्रीफिक्स, यानी हमें ये जो कॉलम्स हैं वो नेम जो हमारे टेबल में ऑलरेडी है वही यूज़ करने हैं, या फिर अगर हम इसे अनचेक करेंगे तो ही यूज़ होंगे, अगर हम चेक करें रहने देंगे तो वो ऐसे आएगा कंटेंट,
डॉट डेट, कंटेंट डॉट प्रोडक्ट नेम इस तरह आएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए, तो हम इसे अनचेक कर देते हैं। हमें ओरिजिनल जो हमने कॉलम्स नेम दे रखे हैं हमें वही चाहिए, तो हमको इसको अनचेक करके ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे हमारा डेटा पूरा का पूरा कंबाइंड हो गया है, अब हम इसे लोड करना है अपने एक्सेल में। लोड करने से पहले हमें अपने डेटा फॉर्मेट को थोड़ा सा सही कर लेना है। देखिए आप पहले तो देखिए डेटा कहाँ कहाँ है। देखिए आपके सारे कॉलम्स सारे मर्ज हो गए, एक आपका एक नया कॉलम ऐड हो गया जो कि है ईस्ट अंडरस्कोर डेटा। इसी तरीके देखिए सारे के सारे जितने भी टेबल्स है सबका ऐड हो गया है ना। ईस्ट के बाद नीचे देखिए वेस्ट आ गया, वेस्ट के बाद आपका, वेस्ट के बाद देखिए नीचे नॉर्थ है और साथ में लास्ट में है आपका साउथ। सारे के सारा डेटा आपका मर्ज हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं ऊपर जाके इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो ये नेम है तो हमें इसको नाम दे देना है रीज़न, ये हमारे लिए रीज़न है, ठीक है। तो मैंने इसे रीज़न नाम दे दिया, ओके। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ इसमें, इस पे देखिए मैंने इस पे ऐसे सेलेक्ट करके ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो रखा है। यहाँ पे जाऊँगा रिप्लेस वैल्यूज़ में और हमें क्या करना है रीज़न में हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह के नाम देते हैं, तो हमें अंडरस्कोर डेटा हटा देना है, तो हमें रिप्लेस कर देना है अंडरस्कोर डेटा को किसी से नहीं, ओके कर देंगे। ये देखिए अच्छा पावर क्वेरी जो होता है वो डेटा टाइप को काफ़ी सीरियसली लेता है। इसका मतलब जो आप डेटा टाइप दे रहे हैं, अब देखिए ये इसने एक कॉलम ऐड किया तो उसने उसको पता है कि वो डेटा टाइप देखिए क्या है। होम में देखिए वो डेटा टाइप ऑलरेडी उसने सेलेक्ट कर रखा है टेक्स्ट, ठीक है वेरी गुड। बट हमारे जो कॉलम है उसको उसने देखिए डेटा टाइप एनी सेलेक्ट कर रखा है, उसे नहीं पता ये डेटा किस तरह का है। तो हमें इसे एक हमारी गुड प्रैक्टिस होती है कि हमें डेटा को हमें बता दें पावर क्वेरी को कि हमारा डेटा किस तरह का है। तो क्वांटिटी प्राइस और टोटल अमाउंट ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम इसे तीनों को सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसको सिलेक्ट करने के लिए आप, मैं आपको बता देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर क्लिक करिए इसके हेडिंग पर, आपका पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करिए और उसी के साथ माउस को ले जाके इसके हेडिंग पे क्लिक कर दीजिए, इसके हेडिंग पे तीनों एक साथ सेलेक्ट हो गए और सिंपली इसे डेटा टाइप में क्या कर दीजिए होल नंबर्स कर दीजिए, ठीक है। और सिंपली आप इधर जाइए लेफ्ट किस तरफ जाइए, प्रोडक्ट नेम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉय कोड ये क्या है, तीनों के तीनों क्या है टेक्स्ट हैं, तो टेक्स्ट पर कर लीजिए। और आपके डेट है तो डेट को क्या कर दीजिए, आपको डेट फॉर्मेट में कर दीजिए, डेट टाइम तो है नहीं, ठीक है तो डेट पे कर दीजिए। ये देखिए ये आपका फॉर्मेट पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब आपको सिंपली इसे लोड करना है अपने डेटा को, तो लोड करने के लिए सिंपली जाइए क्लोज एंड लोड ऑप्शन में और यहाँ पे ये पहला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो डेटा है वो लोड हो जाएगा, देखिए वो लोड हो चुका है, ठीक है। और इस ये यहाँ पे इसको मैं इधर कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सीट्स को नाम देता हूँ कंबाइंड सीट, ठीक है। कंबाइंड सीट देने के बाद आप देखिए इसमें इसको मैं यहाँ से फ्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से फ्रीज भी कर दिया है। अब आप देख पा रहे हैं हमने 624 रोज एक्सपेक्ट कर रहे थे 624। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्वेरी का आपका सारा ऑप्शन आ रहा है कि ये क्वेरी की टेबल है और इसमें 8 कॉलम्स हैं और ये लास्ट रिफ्रेश कब हुआ था और ये लोड स्टेटस है, ठीक है। और ये काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। तो अब सबसे पहली बात तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 624 रोज, जैसा कि मैंने बताया था आपको हमारे जो टेबल में है कितने हैं 156 है ना, ये पहला तो आपका हेडिंग है तो 156 इंटू 4 कितना होता है 624, तो ये आपकी 625 आ रही है। तो क्यों आ रही है तो चलिए देखते हैं। तो आप इसमें देखिए एक आपका ये एक्सटर्नल डाटा ये कनेक्शंस के लिए है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, सिंपली इसको डिलीट कर देते हैं और फिल्टर ओपन कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर दिया। अब आप देखिए इसको आप रिफ्रेश करिए, जैसे ही आपने रिफ्रेश कर दिया आपका 624 की जगह वो उसका डबल हो गया। 624 का डबल कितना होता है आपका 1240। फिर एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं फिर वो डबल हो गया, फिर वो 624 ऐड हो गया। फिर एक बार रिफ्रेश करेंगे फिर वो 624 ऐड कर लिया। तो बार बार वो क्या कर रहा है, ये इन चारों सीट्स का जो है सम करता जा रहा है इस कंबाइन सीट में। अब देखिए इसमें कितना डेटा हो गया, अब देखिए इसमें 2496, एक तो हेडिंग है ना
तो देखिए 2496 हो गए। तो ये क्यों 624 ऐड करता जा रहा है, क्योंकि आपने जो पावर क्वेरी बनाई है वो क्या बनाई थी कि इस वर्कशीट में जितनी भी आपके सीट्स हों जितने वो सब के सब कंबाइन करके इसी में वापस ऐड कर दें। तो अब ये जो कंबाइन वाली वर्कशीट है ये भी तो इस वर्कशीट का पार्ट है, तो वो क्या कर रहा है, जब भी आप रिफ्रेश कर रहे हैं वो इन चारों के अलावा इस वाली कंबाइन सीट को भी ऐड करता जा रहा है। यानी कि अगर अब मैं अभी बार रिफ्रेश करूंगा तो इन चारों में कितना डाटा है, 624, और इसमें कितना डेटा है, 2496, एक तो हेडिंग है, तो ये कितना आ जाना चाहिए, आप इसे सम कर लीजिए, 3120 आना चाहिए। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या होगा, जैसे ही रिफ्रेश करोगे आप देखिए 3120, फिर एक बार 3120 में ये 624 ऐड करोगे, एक बार और रिफ्रेश करोगे तो वो क्या करेगा, इन चारों वर्कशीट को तो ऐड करेगा करेगा, प्लस इस वर्कशीट को भी तो एज अ वर्कशीट ही कंसिडर करेगा ना, तो वो क्या करेगा, इसका भी डाटा ऐड करके इसी सीट्स में नीचे ऐड करता जाएगा। तो हमें ये तो नहीं करना था, तो हमें इसमें थोड़ी सी करेक्शन करनी है, हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, और देखिए बार बार मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक ही विंडो ओपन हो जा रही है जो कि थोड़ा इरिटेटेड लग रहा है, कोई बात नहीं, तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपका पावर क्वेरी एडिटर आपका ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ओपन हो जाएगा आपके पास देखिए आपने जितने भी अप्लाई किए थे स्टेप्स वो आ रहे हैं, आपको सोर्स पे जाना है। सोर्स पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सबसे पहले, तो रिफ्रेश कॉल, ठीक है। आप देखिए जैसे ही आपने रिफ्रेश किया देखिए यहाँ पे क्या मैंने बोला था आपको कि जो क्वेरी वन है उसकी एक टेबल और आ रही है ना, तो अब वो क्या कर रहा है, जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो चारों के चारों वो वर्कशीट तो ऐड कर ही रहा, प्लस उस जो कंबाइन वाली थी उसको भी ऐड करते जा रहा है। तो हमें ये तो करना नहीं है, हमें तो ओनली ये चार के चार ही ऐड करने, इन चारों टेबल में जो भी ऐड करते जाएं रोज़ या जो भी डिलीट करते जाएं एंट्रीज, जितनी एंट्रीज ऐड करें जितनी डिलीट करें बस इन्हीं चारों का ऐड करना है, इसका तो करना नहीं है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसमें यहाँ पे जाना है, टेक्स्ट फिल्टर में चले जाइए और इसमें कर दीजिए एंड्स विथ, इंसर्ट पे जाइए और एंड्स विथ क्या कर दीजिए, इसमें हमें वही टेबल चाहिए जो हमारी चार टेबल है, उसके लिए हमारी चारों टेबल का नाम हमें पता है, ईस्ट अंडरस्कोर डेटा, वेस्ट अंडरस्कोर डेटा, नॉर्थ अंडरस्कोर डेटा, साउथ अंडरस्कोर डेटा। तो हमें केवल वो टेबल्स चाहिए जो कि एंड्स होती हैं अंडरस्कोर डेटा से, इसलिए मैंने टेबल्स का सारा नाम रखा था, अगर आपको याद हो वीडियो के स्टार्टिंग में। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, ये देखिए अब यही सेलेक्ट है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद देखिए क्या आएगा, डू यू वॉन्ट टू कीप योर चेंजेस, कीप बिल्कुल रखना है, कीप कर दीजिए। अब आप देखिए अब आप इसे एक बार रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेट आपका रिफ्रेश हो गया है। अब देखिए 624 आ गया, ठीक है। अब आप इसे जितनी भी बार रिफ्रेश करेंगे ये हमेशा 624 ही आएगा, क्योंकि अभी आपके डेटा में कितने हैं, केवल 624 ही हैं। अब मैं आपको इसका रियल पावर दिखाता हूँ कि इस ये क्या काम करता है। देखिए मान लीजिए मैंने एक नई एंट्री करी, यहाँ पे किया मैंने 1 अगस्त एंट्री की और यहाँ पे एंटर किया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा मैंने टेबल क्यों, सभी डेटा का टेबल क्यों बनाया था। सबसे पहली बात उसके कई सारे फायदे हैं, पहला तो क्या है, टेबल आप जब आप टेबल बनाते हैं कंट्रोल टेबल की मदद से, तो वो टेबल जो होता है उसका टेबल का पूरा नाम दे सकते हैं, रेंज का पूरा नाम दे सकते हैं, जो कि हमें पावर क्वेरी एडिटर में मदद करता है। दूसरा देखिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी है और आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो गया है, ठीक है, तो ये एंट्री करने में भी काफ़ी मदद करता है। तो अभी मैं पूरी एंट्री ना करने के बजाय मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ये तीनों की तीनों एंट्रीज को फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तीन एंट्रीज मैंने यहाँ बढ़ा दी हैं अगर आपको ध्यान हो तो, और हमारे पास देखिए कितनी थी, 624 है, तीन यहाँ बढ़ा दी, और वेस्ट में भी क्या करता हूँ, वेस्ट में भी नीचे जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ भी तीन बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी तीन सेम टू सेम बढ़ा देता हूँ एंट्रीज, ठीक है। छः हमने बढ़ा दी और यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तीन और बढ़ा देता हूँ, छः और यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, तीन बढ़ा रहा हूँ, तो टोटल 9 एंट्रीज मैंने बढ़ा दी। मान लीजिए मैंने बढ़ा दी, मान लीजिए मैंने ये कंबाइन करके बना लिया अपना कंबाइन वर्कशीट, उसके बाद मैं अब एक दो दिन में काम कर रहा हूँ, तो एक दो दिन काम के बाद मैंने कुछ एंट्रीज यहाँ ऐड करी, कुछ यहाँ करी, कुछ यहाँ करी, अब यहाँ पे क्या मान लीजिए यहाँ पे कुछ डिलीट कर देता हूँ, तीन एंट्रीज मैं डिलीट कर देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं तीन एंट्रीज डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये मैंने आपकी टेबल रोज डिलीट कर दी। तो अगर आपने देखा हमने 9 जो है रोज वो ऐड करी है, 3 आपकी डिलीट करी है, तो टोटल अल्टीमेटली कितने 6 तो हुए, 6 ऐड हुए ना। तो अगर 624 में आपके 9 ऐड करो तो आ जाएंगे 633, 3 माइनस करो तो 630 है ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, 624 में आपने 9 ऐड करी, ठीक है, और 3 माइनस करी तो अल्टीमेटली तो 6 ही ऐड करी ना, तो 630 आएगा। चलिए हम देखते हैं इसको करके आएगा यहाँ पे, हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए जैसे ही रिफ्रेश किया 630 आ गया। अब देखिए आपके डाटा में है, ये देखिए 631 शो हो रहा है ना, 631 यानी एक तो एडिंग है, यानी कि ये सारी की सारी ये अप्लाई हो गई। तो आपका ये जो आपने किया है कंबाइन, ये आपको इतना फायदेमंद है कि आप एक बार इसे करिए, आप डेली अपने सीट्स पे, आप मल्टीपल जितने भी आपके सीट्स हैं सब पे काम करिए। आपको डेटा ऐड करना है ऐड करिए, डिलीट करना है डिलीट करिए, जो करना है करिए, और अल्टीमेटली आप कंबाइन सीट में जाइए, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, आपका पूरी की पूरी कंबाइन सीट्स एक बार में तैयार है। तो ये आपके लिए काफ़ी टाइम जो है आपकी बचत करेगा, आपको काफ़ी इसमें आपको मदद होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बी एक्सेल एंड बी किंग।